हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। रीसेंट आईआरसीसी कनाडा का एक वेबिनार हुआ, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिए। सो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन बिकॉज इट विल गिव यू अ नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियो। हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके साथ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करता हूँ। सो गाइस, आज की वीडियो का जो वेबिनार था बेसिकली स्टूडेंट वीजे पर बेस्ड ये वीडियो होगी, क्योंकि आईआरसीसी ने आज जो वेबिनार किया है उसमें ज़्यादातर क्लैरिटी उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा और वैक सेंटर की कुछ अपडेट्स के बारे में दी है। तो कौन सी अपडेट है एक बार मैं आपके साथ स्टार्टिंग में शेयर करता हूँ तो आपके लिए इजी हो जाएगा इस वीडियो का मकसद समझना। सो सबसे पहले तो उन्होंने वैक सेंटर पर क्लैरिटी की है कि वैक सेंटर की जो बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट है वो अभी क्लोज हो चुकी है। पोर्टल पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है तो जल्दी वेब फॉर्म अवेलेबल होगा। अभी थोड़ा सा टिपिकल है तो ट्राई कीजिए, आपका वेब फॉर्म फिल हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी पेशेंस रखिए इस चीज़ के बारे में। दूसरी क्लैरिटी उन्होंने क्या की है, स्टूडेंट वीज़ा के बारे में कुछ क्लैरिटीज़ की हैं कि क्या क्या चेंजेस होंगे, आगे कैसे प्रोसेस होगा, ओपन वर्क परमिट वालों पर उन्होंने क्या कहा, कौन सी प्रोफाइलों को प्रायोरिटी होगी, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करूंगा। सो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसको ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि उसमें हम लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते रहते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करूंगा वैक सेंटर और बायोमेट्रिक और पासपोर्ट के बारे में जो उन्होंने क्लैरिटी दी है। देखिए गाइस, आपको पता है कि टू वे कोरियर की सर्विस काफ़ी दिनों से चल रही है। उन्होंने मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी उस पर क्लैरिटी उन्होंने ये की है कि अगर आपका जो टाइम है आपको ग्रेस पीरियड डेफिनेटली दिया जाएगा अगर आपके 30 डेज कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन इस टाइम पर आपको टू वे कोरियर सर्विस है जो उन्होंने प्रोवाइड की उसके हिसाब से ही चलना होगा। अदर सर्विसेज जैसे कि बाई मैन तुसी उत्थे नहीं सबमिट करवा सकती, ठीक है। अनदर थिंग इज दैट उन्होंने ये चीज़ क्लैरिटी की है कि बायोमेट्रिक की जो सबमिशन है, बायोमेट्रिक की जो डेट्स है स्टूडेंट्स के लिए बहुत जल्द वो देने वाले हैं। आपकी अपॉइंटमेंट बुक होनी स्टार्ट होगी है तो आप बुक कर सकते हो। अगर बुकिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो पोर्टल की प्रॉब्लम है, बिकॉज कई बार एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ, जब हम अपना किसी रिजल्ट को चेक करते हैं कई बार साइट बिजी हो जाती है तो अपना रिजल्ट ओपन नहीं होता है। तो इस चीज़ पर उन्होंने क्लैरिटी दी है कि आपको थोड़ी सी पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। अब बहुत सारे बच्चे ये चीज़ पूछते थे कि अपॉइंटमेंट जब बुक हो जाएगी तो हमें डेट नहीं मिली सर, कब डेट मिलेगी? तो उन्होंने कहा कि आपका रेफरेंस नंबर आपके पास है, जब भी वो डेट का शेड्यूल सेट करेगी तो आप सभी को जिन्होंने भी अपॉइंटमेंट बुक की है आप सभी को इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपकी डेट के बारे में, तो आपको रजिस्टर्ड मेल आईडी जिससे आपने कम्युनिकेशन स्टार्ट की थी उस मेल आईडी पर आपको क्लेरिफिकेशन उस चीज़ के बारे में आ जाएगी। तो पासपोर्ट और बायोमेट्रिक को लेकर ये क्लैरिटी उन्होंने दी है, ठीक है। अनदर थिंग इज दैट स्टडी परमिट के बारे में काफ़ी सारी उन्होंने क्लैरिटी की है, क्योंकि सबसे पहली क्लैरिटी बताऊँगा जनवरी इनटेक बारे में, क्योंकि जनवरी इनटेक को लेकर बहुत सारी अजम्पशन लगाई जा रही थी स्पेशली AIP स्टूडेंट के बारे में। पहले बात करूंगा जिनकी कंप्लीट फाइल है। गाइस, अगर आपकी कंप्लीट फाइल है, आपकी डेफर LOE की उन्होंने डिमांड की है या न्यू LOE की डिमांड की है, इट मींस आपकी फाइल के लिए पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन क्यों? क्योंकि आपकी फाइल में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, अदरवाइज आपका केस रिफ्यूज भी हो सकता था, लेकिन केस ऑफिसर आपसे नई चीज की डिमांड कर रहा है, इट मींस कि वो देखना चाहता है कि आप अपने DLI में प्रेजेंट है। तो जिनको भी DLI LOE की रिक्वायर्ड आई है तो रिक्वायरमेंट आई है तो आप प्लीज़ अपनी LOE जल्द से जल्द अपडेट कर दीजिए। अनदर थिंग इज दैट सबसे पहले कंप्लीट फाइल्स के रिवर्ट आएंगे, कुछ फाइल्स के रिवर्ट आने स्टार्ट हो गए हैं तो थोड़ी सी पेशेंस रखिए, क्योंकि बैकलॉग बहुत ज़्यादा है। COVID-19 के दौरान वैक सेंटर क्लोज थे, पेपर फाइल क्लोज थी, तो जितना भी वर्कलोड उनको मिला है, जितना भी वर्क मिला है, जितनी फाइल्स सबमिट हुई हैं वो सभी ऑनलाइन हुई हैं, तो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर देम। और अगर आप किसी कारण के कारण अपना जो सबमिट नहीं कर पा रहे हैं LOE, तो उन्होंने कहा है कि अगर आप कोई बायोमेट्रिक ही नहीं दे सकते, बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट का टाइम लग रहा है, आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा, मेडिकल किसी कारण आप सबमिट नहीं कर सकते, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप IRCC को एक लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन के जरिए ज़रूर दीजिए। आप वेब फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ की क्लैरिटी उन्होंने मांगी है कि अगर आप क्लैरिटी दोगे तो वीज़ा ऑफिसर को आसानी होगी, आपकी फाइल पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा।
अगर आपका मेडिकल नहीं हुआ, आपकी बायोमेट्रिक नहीं हुई, मैं पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में बोल चुका हूँ कि आपकी फाइल पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इस चीज़ से घबराइए मत। अदर अनदर थिंग इज दैट कि कैनेडा ट्रैवलिंग पॉसिबल हो सकेगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की या नहीं। देखिए, उन्होंने पहले ही क्लैरिटी दी थी कि अगर आपका कॉलेज रेडीनेस प्लान में है, आपके कॉलेज के पास पॉलिसी है कि वो आपको वहाँ पर संभाल सकते हैं, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या थी कि आपका वीज़ा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, वेबिनार में बहुत सारे बच्चों ने एक कॉमन क्वेश्चन पूछा था। वो कॉमन क्वेश्चन कौन सा था कि अगर हमारे पास AIP है, हम बायोमेट्रिक कनाडा में आकर दे सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी कैटेगरी ऐसी हैं, जैसे टेम्परेरी फॉरनर वर्कर हैं, उन्होंने कहा था कि आप एग्जेम्प्ट हैं बायोमेट्रिक से। तो उन्होंने इस चीज़ पर आंसर दिया कि आपके बायोमेट्रिक मैंडेटरी हैं, इसके बिना आप कनाडा में ट्रैवल नहीं कर सकते, इस चीज़ को समझना होगा आपको। अनदर थिंग इज दैट, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ कौन सी है कि अगर आपका कोर्स ऑनलाइन है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए, अगर आपका कोर्स ऑनलाइन है, ठीक है, जनवरी इनटेक में आपके पास आपका वीज़ा है, देन यू कैन ट्रैवल टू कनाडा। इस चीज़ पर बहुत क्लैरिटी, वैसे मैं एक डिटेल में वीडियो भी बनाऊंगा, इस वीडियो में थोड़ा सा बताना, एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है, फिर बाकी पॉइंट स्किप हो जाएंगे। तो उन्होंने ये चीज़ बताई है कि अगर आपका कोर्स ऑनलाइन है, ठीक है, तब भी आप कनाडा में जाकर ट्रैवल कर सकते हो, अपनी ऑनलाइन स्टडी आप कनाडा में कंटिन्यू कर सकते हो। एक बच्चों ने एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि अगर मेरा कोर्स ऑनलाइन है, कैन आई वर्क इन कनाडा? तो उनका आंसर था यस, बट जो आपको वर्किंग आवर दिए गए हैं 20 आवर, आप उतना ही वर्क कर सकते हो। इन दो चीज़ों से बहुत बड़ी क्लैरिटी होती है कनाडा जनवरी इनटेक को लेकर कितना सीरियस है, बिकॉज वो कंट्री जिसको रेवेन्यू बहुत जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट से, वो कंट्री दिखा रही है कि उनको कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए, उनको स्टूडेंट रिक्वायर्ड है। तो जनवरी इनटेक में अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है, मेन शर्त उन्होंने क्या रखी, मेन शर्त उन्होंने ये रखी कि आपका कॉलेज रेडीनेस प्लान में ज़रूर होना चाहिए, तब ही आप ट्रैवल कर सकेंगे। अब ये लिमिटेशन हटा दी है कि आपका कोर्स ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, वो डिफरेंट थिंग है। अगर आपका कॉलेज DLI लिस्ट में है, देन यू कैन ट्रैवल। और उन्होंने ये भी चीज़ बताई है कि अगर आपके कॉलेज DLI लिस्ट में नहीं है, तो हम DLI लिस्ट नियर अबाउट वीक्स के बाद अपडेट करते रहते हैं। आप उस चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है, आप IRCC के पेज पर सभी लोग चेक कर सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। मुझे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मेरा कॉलेज का नेम DLI लिस्ट में नहीं है, तो आप उस चीज़ के बारे में चेक कर सकते हैं। स्पाउजल ओपन वर्क परमिट जो है, या ओपन वर्क परमिट डायरेक्ट है, जिनके हस्बैंड और वाइफ कैनेडा में है, उनकी फाइल की प्रोसेसिंग भी अब थोड़ी सी तेज हो रही है आगे से, क्योंकि बहुत सारे मेरे क्लाइंट ऐसे हैं कि जिनको अप्रूवल आ रही है, जिनके डिसीजन आ रहे हैं, बकायदा वो मार्च की फाइल थी, बकायदा वो फरवरी की फाइल थी, लेकिन उन फाइलों के रिवर्ट आने भी अभी स्टार्ट हो गए हैं। तो उस चीज़ में भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ इम्पॉर्टेंट हो और इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है कि अगर आप देखिए, तीन चीज़ें जैसे उन्होंने ज़रूरी कही थी सेकेंड स्टेज में, कि तीन चीज़ें मेडिकल, बायोमेट्रिक और आपका क्रिमिनैलिटी, कि आप सही हो, आपकी PCC, अगर इनमें से कोई चीज़ मिसिंग है, आपको प्योर टाइम दिया जाएगा, ठीक है, घबराइए मत। और एक चीज़, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिनको बायोमेट्रिक की रिक्वेस्ट लेटर नहीं आई है, क्योंकि इस चीज़ की क्लैरिटी करनी ज़रूरी है, पिछले काफ़ी सारे दिनों से बहुत बच्चे मुझे पूछ रहे हैं, सर हमसे जिसने बाद में फाइल लगाई थी उनको बायोमेट्रिक का लेटर आ रहा है, हमारी फाइल पुरानी। गाइस देखिए, ये जो पोर्टल का सिस्टम होता है वो ऐसे नहीं देखता कि कितनी सीक्वेंस में फाइल लगी है, कैसे लगी है, डिपेंड करता है कि किस पोर्टल में कौन सी फाइल ओपन हो रही है, उस हिसाब से ही वो इशू करते हैं। अगर आपको बायोमेट्रिक की रिक्वेस्ट नहीं आई, यू हैव टू वेट, बिकॉज देखिए कितनी फाइल्स ऑनलाइन लग रही हैं मार्च से, तो डिसीजन रुके हुए थे, तो बैकलॉग क्लियर करना इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर देम, ठीक है। इस चीज़ की पेशेंस आपको रखनी ज़रूरी है। अनदर थिंग इज दैट, जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कि मेडिकल की रिक्वेस्ट अपॉइंटमेंट कैसे लें, गाइस मेडिकल की रिक्वेस्ट आने वाले दिनों में आपको आने वाली है, तो अप फ्रंट मेडिकल अगर आपका करवाया होगा तो अच्छा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को दोबारा मेडिकल की रिक्वेस्ट आती है, जहाँ बच्चे पूछते थे कि सर हमारा मेडिकल एक्सपायर होने वाला है, व्हाट वी विल डू, कि अब हम क्या करें। तो गाइस कई बार होता है कि वीज़ा ऑफिसर अगर आपसे दोबारा मेडिकल की डिमांड करता है, इट इज़ क्वाइट गुड। जैसे मैंने पहले बताया था कि DEFR LOE में
आपसे पूछ रहे थे कि डेफर एलओए हमें सबमिट करो, इट मींस दैट दे आर इंटरेस्टेड इन योर फाइल, देन इफ दे आर आस्किंग फॉर द मेडिकल इट इज क्वाइट गुड फॉर यू, बिकॉज अगर आपसे मेडिकल मांग रहे हैं तो वो देखना चाहते हैं कि दैट आपकी जो सेहत है वो अच्छी है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्योंकि इस चीज के बिहा पर अगर कोई भी कंट्री है वो अपने नागरिकों के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। अनदर थिंग इज दैट ट्रैवल सेक्शन को लेकर उन्होंने काफी सारी क्लैरिटी दी है कि अभी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही ट्रैवल कर सकते हैं, ओपन वर्क परमिट वाले ट्रैवल कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन जिनके स्पाउस का वीज़ा अप्रूव हुआ है वो ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उनको ऑथराइजेशन लेनी ज़रूरी है। ये चीज़ भी आप समझिए, अभी ट्रैवल ऑथराइजेशन कैसे लेनी है, आपको अपना रीज़न एक्सप्लेन करना है कैनेडा हाई कमीशन को कि दैट मेरे जाने का रीज़न क्या है, दैट मैं वहाँ पर जॉब करने जा रहा हूँ, अपने पार्टनर को सपोर्ट करने जा रहा हूँ, बिकॉज ओपन वर्क परमिट वालों की क्लैरिटी करनी ज़रूरी है क्योंकि उनका जब ओपन वर्क परमिट एक लगता है तो दो फैमिली के सेंटीमेंट्स से जुड़े होते हैं आपस में, क्योंकि एक आशा होती है मन में कि मेरा पार्टनर जाएगा तभी मैं जा पाऊंगा तो और हम एक बढ़िया लाइफ वहां पर सर्वाइव कर सकेंगे। तो ओपन वर्क परमिट वालों घबराओ मत, आपका भी रिवर्ट बहुत जल्द आ जाएगा। अनदर थिंग इज दैट अगर आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो चुका है, ठीक है, अपने उस चीज़ को माइंड में रखिए कि मुझे कि ट्रैवल लेटर की ज़रूरत है, तो उन्होंने आज क्लियर कर दिया कि अगर आपके पास ऑथराइजेशन होगी इट विल बी क्वाइट गुड, अदरवाइज आपको वीज़ा ऑफिसर वहां से वापस कर सकता है। अब बात करूंगा विस्टर और टूरिस्ट वीज़ा वालों की। सॉरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन मैं क्यों ये चीज़ बता रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए सभी कुछ, बिकॉज बार बार वीडियो बनाना आई थिंक ये क्लिक बेट हो सकता है, ठीक है, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है। अभी उन्होंने टूरिज्म और विस्टर वीज़ा वालों को अलाउ नहीं किया, जिनके पास वैलिड विस्टर वीज़ा है, अगर आपका रीज़न जस्टिफाइड है, अगर आपका रीज़न जेन्युइन है, देन यू कैन ट्रैवल टू कैनेडा, अदरवाइज आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, आपको पोर्ट ऑफ एंट्री से वापस कर दिया जाएगा, ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए। और उन्होंने ये चीज़ लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन के बारे में इस वेबिनार में काफ़ी सारी क्लैरिटी दी है, अगर आप अपना स्टूडेंट वीज़े की नई प्रोफाइल सबमिट कर रहे हो, वेदर यू आर अप्लाइंग अंडर SDS, वेदर यू आर अप्लाइंग अंडर नॉन SDS, तो अपना लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, अपनी SOP स्टूडेंट वीज़ा वालों इस चीज़ को ध्यान से सुनो, बहुत क्लियर तरीके से मेंशन करो। उन्होंने भी पॉइंट बताए जो मैं अपनी SOP में पर्टिकुलरली मेंशन करता हूँ, ठीक है, कि आप कनाडा क्यों जा रहे हो, क्यों ये कोर्स चूज़ किया, क्यों इस कॉलेज को चूज़ किया, ये पॉइंट आपको क्लियर करने होंगे ताजो आपका जो केस ऑफिसर है उसको डिसीजन लेने में आसानी हो सके, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए। अगर आपको कोई स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में हेल्प चाहिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बेसिकली एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ कॉल व्हाट्सएप पर कीजिए, बिकॉज इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी, मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है डायरेक्ट कॉल को अटेंड करना, ठीक है। तो बहुत सारी क्लैरिटी आज के वेबिनार में हुई है, बिकॉज वेबिनार जब एक होता है, वेबिनार वो बेसिकली क्यों करते हैं, वेबिनार वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जो एप्लीकेंट है, जो हमारी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, जो पर्सन हमारी कंट्री में इंटरेस्टेड है, उनको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके, वो अपनी फाइल्स के बारे में अप टू डेट रह सके, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी वैक सेंटर के बारे में, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में कि वो ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ट्रैवल बैन अभी लग रहा है, दिसंबर में क्या होगा वो डिफरेंट थिंग है, ठीक है, तो बट लेकिन हम यही दुआ करेंगे कि आने वाले समय जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए बेसिकली, चाहे वो इमिग्रेंट है, चाहे वो PR की फाइल लगी, आप सभी के लिए ब्राइट हो, क्योंकि अगर आप वहां पर जाओगे तब ही कनाडा की इकोनॉमी बूस्ट होगी। वो भी कोई भी कंट्री है अपना लॉस नहीं देख सकती, हर एक कंट्री यही चाहती है, चाहे वो इंडिया है, चाहे कोई भी कंट्री है, वो चाहती है कि हमें लॉस ना हो। तो बेसिकली जनवरी इनटेक कैसा हो सकता है उस चीज़ में भी आने वाले दिनों में क्लैरिटी हो जाएगी, तो मैं उस चीज़ पर भी एक वीडियो आप सभी के साथ शेयर करूंगा। सो स्टूडेंट वीज़ा में कोई हेल्प चाहिए, व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पर, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लेकिन मैसेज रिप्लाई करना थोड़ा सा कई बार टाइम लग जाता है, थोड़ी सी पेशेंस रखिए, ठीक है। अनदर थिंग इज दैट आल्स की प्रेपरेशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, वी आर प्रोवाइडिंग 1-to-1 ऑनलाइन क्लासेस, आप पर्सनली मेरे से क्लासेस ले सकते हो। आई एम श्योर इफ यू फॉलो माई मेथड्स माई टेक्निक्स देन यू कैन क्रैक योर आल्स विद इन 30 डेज। अनदर थिंग इज दैट स्टूडेंट वीज़ा SOP बनाने में कोई हेल्प चाहिए, न्यू SOP आप मेरे से लिखवाना चाहते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पर, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अपनी SOP में चेंजेस करना चाहते हो। एक चीज़ और, क्यों मैं SOP को एक्सप्लेन करता हूँ हर वीडियो में, क्योंकि SOP में मैं क्यों एक्सप्लेन करता हूँ, इसके पीछे काफ़ी सारे रीजन्स हैं।
आपका 14-15 लाख रुपीस आपने जब लगाया है, तो आपका कहीं ना कहीं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अगर अच्छा होगा तो उस चीज का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है वीजा ऑफिसर पर, उसको एक क्लैरिटी लेने में आसानी हो जाती है कि दैट दिस पर्सन इज अ रेगुलर ट्रेवलर, दिस पर्सन इसका जो आने का मकसद है वो एक जेनुअन है, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, तो आपको इस चीज पर क्लैरिटी देनी जरूरी है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि एक मोटिवेशन मिलती है कि आप मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहे हो, जो वीडियो मैं बनाता हूँ आपको पसंद आती है। लाइक जरूर करना, अपना पॉजिटिव फीडबैक जरूर देना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में बार बार क्यों कहता हूँ, उसमें हम लिंक शेयर करते रहते हैं, हमारी नई वीडियो का कोई इन्फॉर्मेशन आए उसका। कोशिश करूंगा कि कल एक इंपॉर्टेंट वीडियो, न्यूजीलैंड की तरफ से न्यू अनाउंसमेंट आई है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से न्यू अनाउंसमेंट आई है, तो आप सभी के लिए आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन लास्ट में ये चीज फिर कहना चाहता हूँ, ओपन वर्क परमिट वालों को जिनकी पीआर की फाइल लगी है, स्टूडेंट वीजा के जो क्रिटिकल टाइम था उससे हम थोड़ा सा आगे आ चुके हैं, अभी ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे इतनी पेशेंस रखी है, अब थोड़ी सी पेशेंस अगर हम और रख लेंगे तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत बढ़िया, मैं बोलूंगा कि बहुत ग्रेट हो सकता है एज ए इमिग्रेशन। कैसे कनाडा आने वाले ईयर में वीजा इंक्रीज करेंगे, कैसे आपके वीजा चांसेस इंप्रूव होंगे आने वाले दिनों में, इन डिफरेंट टॉपिक्स पर भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। आई होप यू लाइक टूडेज वीडियो। सो थैंक यू गाइज़।